अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट को। बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे कि जो ग्रुप नंबर 4 एलिमेंट्स है उसमें एक फेनोमेना होता है जिसको हम इनर्ट पेयर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। अब ये क्यों होता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसका रोल क्या है, आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में इसका क्या किरदार होता है, तो बेसिकली आज की वीडियो में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। साथ में हम डिस्कस करेंगे कि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है कब डोमिनेंट होता है और कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो पॉसिबल है या कहाँ पर ज़्यादा होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम डिस्कस करेंगे एक फेनोमेना को जिसको हम जानते हैं रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन से। सो लेट्स स्टार्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है इट इज़ बेसिकली द टेंडेंसी ऑफ द आउटर मोस्ट एटॉमिक s ऑर्बिटल्स टू इलेक्ट्रॉन्स टू रिमेन इनर्ट इन कंपाउंड्स ऑफ पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। एक टेंडेंसी है पीरियाडिक टेबल में, जिस तरह हमने डिस्कस किया हुआ था, एक तरफ मेटल्स है, दूसरी तरफ वो नॉन मेटल्स है, पी ब्लॉक है जिसमें मेटल्स भी है और नॉन मेटल्स भी है। जो अल्कलाइन और अल्कली अर्थ मेटल्स है वो आपके लेफ्ट साइड पर है और जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो आपके राइट पर है। दरमियान में जो एलिमेंट्स है उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, जिससे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो नीचे आ जाते हैं इस तरह। अब पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है, मतलब ये है कि अगर ये मेरे पास अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, इसके बाद ट्रांजिशन है और ट्रांजिशन के बाद पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बाद जो आते हैं। अब ये जो एलिमेंट्स है पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या अगर प्रिसाइजली हम बोले तो हम कहेंगे पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पर जो हेवियर एलिमेंट्स हैं, हेवियर का मतलब ये है कि जिसका एटॉमिक मास जो है वो ज़्यादा है या जिसका न्यूक्लियर चार्ज वो ज़्यादा है, वो जो हेवियर एलिमेंट्स हैं उन हेवियर एलिमेंट्स में जो टेंडेंसी होती है, और वो टेंडेंसी होती है कि इसके जो वैलेंसी शेल वाले एस वाले दो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको ये इनर्ट रखता है, इसको ये इजाज़त नहीं देता कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले। इसके जो कंपाउंड्स बनते हैं उन कंपाउंड्स में ये इनर्ट रह जाता है। इस फेनोमेना को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसको ज़रा सा और एलाबोरेट करते हैं। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट जो फेनोमेना है इट इज़ शोन बाई 13 ग्रुप ऑनवर्ड एलिमेंट्स। क्यों? चूँकि 12 तक फर्स्ट और सेकंड, तो पीरियाडिक टेबल में यहाँ पर अगर आप देखें फर्स्ट और सेकंड है पेयर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ तक वो ट्रांजिशन है, और उसके बाद पेयर 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये जो है ये पोस्ट ट्रांजिशन है। मतलब 13 ग्रुप ऑनवर्ड्स अगर हम जाएंगे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का फेनोमेना वो हमें शो होगा, और कौन से एलिमेंट्स में, जो हेवियर है। यहाँ पर मैंने आपको एक टेबल ड्रा किया हुआ है, इस टेबल में मैंने 13 और ग्रुप 14 एलिमेंट्स को मेंशन किया है। जो बोरान फैमिली है, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलियम, सिमिलरली जो कार्बन फैमिली है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेन और लेड, इन एलिमेंट्स को मैंने मेंशन किया है, और पीरियड भी इसका मेंशन है 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो 13 ग्रुप एलिमेंट्स है इसका जो टिपिकल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 होता है। क्यों +3 होता है? क्योंकि इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है 3 है, NS2 NP1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम आते हैं ऐसे कंपाउंड्स भी आपको मिलेंगे जिसमें इन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट वो +1 हो। सिमिलरली कार्बन जो है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो 2s2 2p2 है, या फिर अगर सिलिकॉन की हम ले लें वो 3s2 3p2 है। सिमिलरली जर्मेनियम की 4s2 4p2 है, 10 की 5s2 5p2 है, सिमिलरली लेड की 6s2 6p2 है। मतलब ये कि इन जनरल अगर हम इसको जनरलाइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रुप 4 एलिमेंट्स है, या जिसको हम ग्रुप 14 भी बोलते हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो NS2 NP2 है, जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी है।
अब इन एलिमेंट्स में अगर आप देखें जो टिपिकल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो मेन ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स का है वो है प्लस 4। क्यों? क्योंकि इसके वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन है, तो चारों के चारों जो है वो बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेते हैं। लेकिन डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम आते हैं, प्लस 2 वाले कंपाउंड्स भी आपको मिलेंगे। जिस तरह लेड का आपको पीबी प्लस 2 मिलेगा, पीबी प्लस 4 भी मिलेगा, 10 का आपको प्लस 2 मिलेगा, 10 का आपको प्लस 4 भी मिलेगा। सिमिलरली टीएल प्लस 1, टीएल प्लस 3 भी मिलेगा, NAM का प्लस 1 और प्लस 3 भी मिलेगा। तो डाउन द ग्रुप जो हैवियर एलिमेंट्स है उसमें ये टेंडेंसी पाई जाती है। अब क्वेश्चन ये है, ये टेंडेंसी क्यों पाई जाती है? दिस इज एक्चुअली ड्यू टू अ फेनोमेना विच इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अभी आपको तो ये समझ आ चुका है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट कैसे बोलते हैं, लेकिन ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि हम समझें कि क्यों इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, क्यों जो एस वाले एस ऑर्बिटल वाले दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनर्ट रहते हैं, अगरचे ये जो है वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है, इसको जो आउटर मोस्ट शेल है इसको बॉन्डिंग में हिस्सा लेना चाहिए, और क्यों जो है कार्बन और सिलिकॉन या यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स हैं जो टॉप पर हैं, इसके क्यों जो है वो ज़्यादातर वो सारे के सारे बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, और डाउन द ग्रुप सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, सेम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, तो क्यों इसमें जो है वेरिएशन आती है। बेसिकली अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट की हम बात करें तो इनर्ट पेयर इफेक्ट को जानने से पहले हम एक फेनोमेना पढ़ेंगे कि ये क्यों इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन। अब रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन जो है ये क्या चीज़ है, यहाँ पर मैंने शायद डिफिनीशन नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर लिखा है, रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन इज अ फेनोमेना इन विच हैवियर एलिमेंट सच एज लेड एक्सपीरियंसेस अ कॉन्ट्रैक्शन दैट ड्रॉज इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस देन एक्सपेक्टेड। दिस कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन। अब इसको हम समझते कुछ इस तरह है, फॉर एग्जाम्पल 1s है, फिर इसके बाद 2s है, फिर इसके बाद 3s है, 4s है, 5 एंड सो ऑन। अब जितना हैवियर एलिमेंट होगा, जितनी उसमें जो है उसके इसका एटॉमिक मास वो ज़्यादा होगा, मतलब उसका उतना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। अब अगर आप देखें तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम आते हैं तो पीरियड नंबर इंक्रीज होता है, मतलब ये कि अगर लेड में हम देखें इसमें 6s2 6p2 है, मतलब इससे पीछे 5s भी है, 4s भी है, 3s भी है, 2s भी है, 1s भी है। अब चूंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, अब जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना जो है वो जो 1s वाला है नज़दीक, अब न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक तो 1s वाला ऑर्बिटल है, तो 1s पर उतनी ज़्यादा जो है वो अट्रैक्शन ज़्यादा पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो डाउन द ग्रुप आने से क्या हो रहा है, वो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि डेफिनेटली वो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, प्रोटॉन्स की तादाद वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से तो क्या हो रहा है, जिसकी वजह से जो एस वाले ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन हैं इस पर ज़्यादा जो है वो फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि हैवियर एलिमेंट सच एज लेड एक्सपीरियंसेस अ कॉन्ट्रैक्शन दैट ड्रॉज इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस देन एक्सपेक्टेड। अब जितना जो है इसका डिस्टेंस होना चाहिए था उसके मुकाबले में वो कम पड़ जाता है। अब अगर 1s कम होगा, इसके रिलेटिव 2s कम होगा, उसके रिलेटिव 3s कम होगा, 4s कम होगा, जिसकी वजह से ओवरऑल जो है कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। मतलब ये है कि ओवरऑल जो 6s या 7s या 5s या 4s को जितना कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था वो उससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ये इनर्ट बन जाता है, इस पर अट्रैक्शन जो है ज़्यादा पड़ जाती है, तो ये आसानी से जो है वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता। तो यहाँ से एक चीज़ हमें क्लियर हो जाती है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट आपने समझनी है वो ये बात आपने समझनी है कि जैसे जैसे हम वो आगे जाते हैं या डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम आते हैं तो क्या होता है, पहले 2 है, 2 शेल है, फिर 3 शेल है, अब 3 शेल में d ऑर्बिटल भी आ गया, फिर 4 है उसमें f भी आ गया, फिर 5 है उसमें d और f दोनों आ गए, 6 है
तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो डी और एफ आर्बिटाल जो है उसकी एडिशन हो जाती है। अब ये डी और एफ आर्बिटाल जो है इसकी पुअर शील्डिंग है, शील्डिंग इफेक्ट को हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है, तो इसकी पुअर शील्डिंग है। अब इस पुअर शील्डिंग की वजह से जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है उस पर न्यूक्लियर फोर्स जो है वो ज़्यादा पड़ेगा। अब न्यूक्लियर फोर्स जितना ज़्यादा पड़ेगा उतनी जो एस वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा जो है कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उस पर ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज पड़ेगा, जिसकी वजह से वो इनर्ट रहना ही वो पसंद करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर मैंने कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, कार्बन की वैलेंसी कॉन्फ़िगरेशन जो है वैलेंस शेल की है 2s2 2p2। अगर इसको हम ऑर्बिटल डायग्राम से शो करें तो 2s में दो इलेक्ट्रॉन है, px py में 2px 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन है, 2pz जो है वो एम्प्टी है। तो जब ये बॉन्ड बनाता है तो इसका ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट में इसके पास चार अनपेयर इलेक्ट्रॉन है जो चार बॉन्ड बनाते हैं, जिस तरह CCl4 है, इसी तरह SiCl4 है, इसी तरह GeCl4 है, SnCl4, PbCl4, सबके सब में इसकी वैलेंसी +4 है। लेकिन आपको SnCl4 के साथ साथ SnCl2 भी मिलेगा, PbCl4 के साथ साथ आपके आपके पास ये 2 है, एक्चुअली दिस इज SnCl2, तो SnCl2 भी आपको SnCl4 के पास के साथ मिलेगा जिसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। PbCl2 भी आपको मिलेगा जिसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, PB का यहाँ पर +2 है क्योंकि क्लोरीन -1 है, -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 -2 एज अ होल ये न्यूट्रल है तो इस पर +2 चार्ज आ जाएगा। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करता है, सबसे ज़्यादा डोमिनेंट जो है वो इस ग्रुप में वो लेड में होगा। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज़, ये फेनोमेना बेसिकली दिस इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट का कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या रोल है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। कुछ लोग इसको फजान रूल बोलते हैं, कुछ जो है वो फजान रूल बोलते हैं, कुछ वो फजन रूल बोलते हैं, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें जिस तरह भी। तो एक साइंटिस्ट था 1923 में, उसने एक रूल पेश किया था जिसका नाम था फजान्स रूल। अब फजान जो है, इस साइंटिस्ट का बेसिकली नाम था, वो उसने एक रूल पेश किया था कि स्मॉल हाईली चार्ज के टाइम्स टेंस टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि जितना स्मॉल होगा साइज और उतना उस पर चार्ज जो है वो ज़्यादा होगा, उतनी उसकी टेंडेंसी होगी वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, लेट से ये आप लोग कहेंगे कि सर जो है हर टाइम बंटे और फुटबॉल वाला एग्जांपल देता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट को समझे। ये बंटा जो होता है ये छोटा होता है, अब अगर इस पर +4 चार्ज है और लेट से मैं फुटबॉल ले लेता हूँ जिस पर भी +4 चार्ज है, तो एक कतरा पानी अगर आप बंटे पर डालें तो वो उस पर ज़्यादा पड़ेगा, वही एक कतरा पानी जो है अगर आप फुटबॉल पर डालेंगे तो वो उस पर कम पड़ेगा। मतलब ये है कि चार्ज डेंसिटी वो बंटे की ज़्यादा है, फुटबॉल की कम है। तो अब अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, अब अगर किसी चीज़ का की कुव्वत ज़्यादा है, ताकत ज़्यादा है, तो उसे तो कोई चीज़ जो है वो कैच कर नहीं ले जा सकता। सिमिलरली अगर आपके पास जो है वो चार्ज ज़्यादा है तो ये कोशिश करेगा कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, इस इलेक्ट्रॉन को कोई भगा कर नहीं ले जा सकता क्योंकि इस पर जो है वो डेंसिटी ज़्यादा है। तो सेम इज़ द केस हेयर, इसको अगर हम केमिस्ट्री में अप्लाई करें, SnCl2 जो है वो आपके पास आयनिक होगा, SnCl4 वो कोवेलेंट होगा क्योंकि इस पर जो है चार्ज डेंसिटी वो ज़्यादा है। सेम इज़ द केस विद PbCl2 एंड PbCl4। अगर इस पर हम डिस्कशन करें तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन आई होप इस स्मॉल सी डिस्कशन में आपने ये चीज़ें वो गेन की होगी। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।